हेलो फ्रेंड्स, रंजीता क्रिएटिविटी इन गार्डन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीता। आज मैं आप सभी को स्वीट पोटैटो वाइन का ओवरऑल डिटेल देने वाली हूं। स्वीट पोटैटो वाइन शक्करकंदी का पौधा, यह एक ऑर्नामेंटल वैरायटी है और इस समय मेरे पास में स्वीट पोटैटो वाइन के लगभग 4 वैरायटी यहाँ उपलब्ध हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये पैरेट ग्रीन कलर है और एक ये पर्पल कलर है। साथ ही पर्पल में यहाँ पर एक और वैरायटी ये जो दिख रही है आपको, जिसका टेक्सचर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और एक यह ग्रीन और पिंकी शेड में एक वैरायटी ये है। तो ये सभी जो वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है, ये सभी स्वीट पोटैटो वाइन की ही वैरायटी है। तो आइए देखते हैं इसका प्रोपेगेशन और मेंटेनेंस कैसा होता है। यह पौधा लगभग 25-30 रुपए का नर्सरी से हमें मिल जाता है। इसे लगाते समय मैंने मिट्टी के साथ गोबर खाद और नीम के पत्तों को सुखा कर उसका पाउडर बनाकर डाला था। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन रखना चाहिए। हालांकि इस समय जो गमले की मिट्टी है वो मैं आपको शो नहीं कर सकती कि यह वेल ड्रेन है, बिकॉज़ इस समय जस्ट अभी बारिश हुई है, जिसके कारण जो मिट्टी है वो कुछ इस तरह से गीली सी हो गई है। यह पौधा बहुत जल्दी डेवलप होता है। इसकी ब्रांच से हम इसके पत्तों की कटिंग या छोटी सी ब्रांच की कटिंग काटकर हम इस, जैसे मैंने यहाँ पर ये इसका एक पर्पल वाला मैंने स्वीट पोटैटो वाइन का एक ब्रांच मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, जिसे आप देख सकते हैं इसमें इसके रूट्स भी डेवलप हो रहे हैं। और एक कटिंग में यहाँ से ग्रीन पोटैटो वाइन की भी ले लेती हूँ, कुछ इस तरह से। और मैं कैंची की मदद से ही कुछ इसके इस तरह से कटिंग्स कर ले रही हूँ। हालांकि एक हाथ में मेरे कैमरा है, मोबाइल है, जिससे मैं ये शूट कर रही हूँ, और एक हाथ से ही मैं ये कटिंग कर रही हूँ, तो मुझे उतना कंफर्टेबल काम करते नहीं बन रहा है। फिर भी मैं आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ। तो कुछ मैंने इस तरह से यहाँ पे पर्पल और ग्रीन पोटैटो वाइन को काट कर इस तरह से मैंने रखा हुआ है यहाँ, और इसे मैंने इस तरह से दो छोटे छोटे पॉट्स तैयार किए हैं, जिसके अंदर मुझे इसे लगाना है। तो जस्ट इसको कटिंग करने के बाद हम इसे ऐसे लगा देंगे और कुछ इस तरह से भी हम इसे लगा सकते हैं। लगभग 1-2 इंच मिट्टी के अंदर इसका नॉट हमें इसमें दबा देना है। और इसमें तो ये जो है इसके रूट्स हमें दिख ही रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी ये और बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। इस तरह से हमें इसे मिट्टी में दबा देना है। और फिर इसमें हमें इस तरह से वाटरिंग, हल्की हल्की वाटरिंग यहाँ पे कर देना है, और इसे हमें किसी शेडी एरिया में रख देना चाहिए। हालांकि इस समय बारिश का सीज़न है तो धूप तो नहीं है, तो इसे हम चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं और किसी शेडी एरिया में भी ऐसे इसे रख सकते हैं। मैंने लगभग 1 हफ्ते पहले ये पॉट तैयार किया था, ये जैसे आप देख सकते हैं 1 हफ्ते में ये काफ़ी डेवलप हो गया है।
और इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि इसके रूट्स यहाँ पर मिट्टी में ऊपर तक के आ गए हैं। यानी एक हफ्ते के अंदर यह काफ़ी डेवलप हो जाता है। आप देखिए, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच के निकालूँ तो ये रूट्स इसके ये निकल जाएंगे, है ना। तो मैं इसको हालांकि इस समय इसे तोड़ नहीं रही हूँ, इसे लगे रहने देती हूँ। तो आपको तो यहाँ पे नज़र ही आ रहा है कि इसके रूट्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। इसके ब्रांच से हम इसके पत्तों की कटिंग इसी तरह से कर कई पौधे तैयार कर सकते हैं, और लगभग एक हफ्ते या 10 दिन में इसकी रूट डेवलप हो जाती है। इस तरह इसे इजीली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मैं इसे बिना रूटिंग हार्मोन या रूटेक्स यूज़ किए ग्रो करती हूँ। आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके ग्रोथ के लिए किसी विशेष फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। यह पौधा यदि 2 या 3 कलर के स्वीट पोटैटो वाइन, जैसे पर्पल और ग्रीन, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इस पॉट में पर्पल और ग्रीन, 2 शेड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर हम इन्हें मिक्स कर लगाए तो यह बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और यह सिंगल ग्रीन कलर में भी बहुत अच्छा लगता है। इस पॉट में मैंने सिंगल ग्रीन कलर में इसे ग्रो किया है, जिसे आप देख सकते हैं। यह सिंगल ग्रीन कलर, जिसे हम पैरेट ग्रीन कलर भी कहते हैं, इसमें यहाँ पे लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। इसकी जो मिट्टी है, ड्राई होने पर इसमें पानी दें, इसमें कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, अदरवाइज़ इसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं और यह पौधा ख़राब होने पर आ जाता है। यह जो पौधा है, हैंगिंग बास्केट के साथ साथ ज़मीन पर भी सुंदर लगता है, और यह सभी प्रकार के गमलों में अच्छी तरह चल जाता है, चाहे गमला छोटा हो या बड़ा, चाहे हैंगिंग बास्केट हो, सभी जगह यह बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लगभग हर तरह के गमले यूज़ किए हैं इसे लगाने के लिए। मैंने इसे एक यहाँ पे बड़े गमले में लगाया है, यहाँ पे भी मैंने इसे एक थोड़े से बड़े गमले में लगाया है, यहाँ पर भी, और आप इधर देख सकते हैं कि मैंने इसे छोटे छोटे से जो पॉट्स है उसमें मैंने इसे अरेंज किया है। तो ये हर तरह के पॉट्स में बहुत ईजीली चल जाता है। धूप में यदि कभी गमले की मिट्टी सूख जाए, यदि जब धूप का समय रहे और स्वीट पोटैटो वाइन के जो गमले की मिट्टी यदि सूख जाए और पत्ते इसके थोड़े से मुरझाए से यदि हो जाए, तो आप उसमें थोड़ा पानी डालें, और पानी डालते ही ये पौधे फिर से खिल जाते हैं। इन्हें घना बनाने के लिए ऊपर से ना पिंचिंग करते रहना चाहिए। जैसे ये जो है इस पॉट में, आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर मैं इसका जो ऊपर का नोड है इस तरह से कट कर देती हूँ, तो इसका जो ग्रोथ है और बढ़ जाता है। और ये जो मैंने इसकी जो पिंचिंग करी है यहाँ पर, मैं इसे वापस से किसी गमले में यहाँ पे इसे इंसर्ट भी कर देती हूँ, मैं इसे वेस्ट नहीं करती हूँ, इसे इस तरह से किसी दूसरे गमले में इसे मैंने यहाँ पे इस तरह से ग्रो कर दिया। तो ये भी कुछ समय के बाद में ये डेवलप हो जाती है और ये अच्छे से फिर चल पड़ती है। हालांकि यह जो पौधा है, यह सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, फिर भी सर्दियों में इन्हें यदि शेडी एरिया में रखें तो इन्हें बचाया जा सकता है। इनकी पत्तियों में
हल्की सी मिठास होती है। जैसे इसका नाम ही है स्वीट पोटैटो वाइन, तो इसलिए इसकी जो पत्तियाँ रहती है वो हल्की सी मिठास लिए होती है। लेकिन आप इसे कभी चखकर मत देखिएगा, जिससे क्या होता है कि मिठास होने के कारण इसकी पत्तियों में कभी कभी चींटियाँ देखने को मिल जाती है, जिसके लिए मैं बीच बीच में इसमें ना नीम ऑयल का छिड़काव पानी मिलाकर करते रहती हूँ। तो इस तरह दोस्तों स्वीट पोटैटो वाइन का बहुत ही इजी प्रोपोगेशन व मेंटेनेंस है, इसलिए आप भी अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए इसे ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। और वीडियो की जानकारी यदि आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें, और हो सके तो साथ में बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो डालूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।